नमस्कार, इटनॉ स्वदेश पे आपका स्वागत है। मैं हूँ मनीष मिन्नुगिरी। नया साल आने वाला है और कहीं ना कहीं नए साल में सबको उम्मीदें हैं कि नए सपने और नई उड़ान होगी। बाजार में हम देख रहे हैं कि लगातार नए से नए एक के बाद एक कई नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें शानदार तेजी देखने को मिली और उम्मीद की जा रही है कि 2024 भी बेहद शानदार देखने को मिल सकता है। उम्मीदों पर दुनिया कायम है। और अगर बाजार की बात हो तो कुछ बड़े ऐसे शख्सियत हैं जिनसे बाजार को समझना सबसे बेहतर होता है, और ऐसी शख्सियतों में एक जो है बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और ग्रुप चेयरमैन श्री आनंद राठी। आनंद राठी सर, शुक्रिया इटनॉ स्वदेश को समय देने के लिए। शो को शुरू करने से पहले, आपसे सवाल पूछने से पहले, मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दूं कि राठी सर का इस शेयर बाजार में 40 साल से ज़्यादा का अनुभव है, 4 दशकों का अनुभव है। और इस मौके पर जब नए साल में हम जा रहे हैं, नए साल का आगाज हो रहा है, उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता जिनसे कि हम ये समझने की कोशिश करें कि अब यहाँ से बाजार कहाँ जाएगा और आपके लिए क्या बड़े मौके हैं। तो राठी सर, शुरुआत आपसे पहले सवाल से साथ ही मैं करूँगा। इस साल हमने देखा कि बाजार में तोड़फोड़ रैली देखने को मिली, एक शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी में देखे करीब 17% का रिटर्न देखने को मिला है। इस पूरी रैली को, इस साल को आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी शुभकामना है कि जैसे इस वर्ष लाभदायक रहा, आगे आने वाले वर्ष भी सभी के लिए लाभदायक रहे, सब इस मार्केट में आके अच्छा पैसा कमाए, ये हमारी हमेशा भावना बनी रहती है कि इसीलिए इस मार्केट में लोग आए कि वो समृद्धि उनको मिले, उनकी वेल्थ क्रिएशन हो। आपने जैसे कहा 2023 बड़ा अच्छा वर्ष है, एक हिसाब से देखें बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। और तोड़फोड़ के जैसा एक बात है ना, ये मनीष भाई अपने हमेशा ही जो है ये मार्केट का स्वभाव है कि ऊपर नीचे जाते रहना और धीरे धीरे कंसोलिडेशन होना। तो अगर आप पिछले भले 30 साल की हिस्ट्री देखें, 40 साल की, जब से इंडेक्स बना है, हर साल में ऊपर के भाव और नीचे के भाव में आपको 10% या उससे ज्यादा डिफरेंस मिलता है। आप कभी भी 52 वीक हाई लो देखेंगे तो ये 10% का, इसका कारण यही है कि देखिए अल्प समय में जो होता है, छोटे समय में मार्केट अफेक्ट होता है उनकी इवेंट से, शॉर्ट टर्म क्या क्या हो गया, आज रशिया का यूक्रेन का वार हो गया, मार्केट पर असर आ गया, इजराइल हमास वार हो गया, असर आ गया, कोई भी इवेंट, इलेक्शन है उसका असर आ गया। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है फंडामेंटल्स में नहीं चलता है, वो सेंटिमेंट्स में, जिसको कहते हैं सेंटिमेंट्स, जो भी इवेंट की कोई सेंटिमेंट आता है उसमें चलने लगता है। परंतु लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा जो है फंडामेंटल्स में चलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आदमी जो इस मार्केट में आए उसको ऊपर नीचे होने से विचलित नहीं होना चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए कि अरे आज इतना घट गया, इतना बढ़ गया है। उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मैं हमेशा कहता हूं कि जो आदमी 3 साल 5 साल 10 साल के नजरिए से इस मार्केट में आएगा वो हमेशा खुश रहेगा, वो समृद्धिशाली रहेगा, उसका रिटर्न डेफिनेटली अच्छा बनेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात ये भी है कि बाजार में अगर आप लंबी अवधि में रहते हैं तो एक शानदार रिटर्न देखने को मिलता है। इस साल हमने एक देखा आपके अंत बला तो सब बला, दिसंबर में हमने बाजार में एक बड़ी रैली देखी और नए रिकॉर्ड बने इस साल। 2024 को लेकर आपका क्या नजरिया है सर? आप कितनी तेजी देख रहे हैं और क्या संभावना लग रही है 2024 के लिए? देखिए, जैसा मैंने पहले शुरू में कहा कि इस मार्केट को 6 महीने बाहर रहने के लिए फोरकास्ट करना बड़ा किसी के लिए असंभव है, मतलब कोई आदमी सही ढंग से नहीं कर सकता है। परंतु हाँ, ब्रॉडली एक नजरिया जरूर होता है कि भाई 2024 में क्या हो सकता है, क्या चीजें मार्केट में जो पॉजिटिव रह सकती हैं, क्या चीजें जो नेगेटिव रह सकती हैं, और उसका ओवरऑल क्या असर हो सकता है। तो मैं खाली कोई नंबर देने की बजाय पहले आपको ये बताऊंगा कि अगले वर्ष में क्या चीजें पॉजिटिव हैं। एक पॉजिटिव चीज तो एक अपने जो देश में जीडीपी ग्रोथ है इंडिया में वो बहुत अच्छी है। एक पॉजिटिव चीज ये कि इन्फ्लेशन उतार हो रहा है उसका, उसके कारण इंटरेस्ट रेट्स की कमी होने वाली है। देश में जो कंपनियों की जो है कंसोलिडेशन अच्छी हो रही है, बैंकिंग सेक्टर अपना मजबूत हो रहा है, सब तरह देखें तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में मजबूती ओवरऑल नजर आती है। तो ये तो कई पॉजिटिव फैक्टर्स हैं विशेषकर इंडिया के, और पर कई ग्लोबल रिस्क भी हैं। आज देखिए, ऐसा माना जाता है कि दुनिया में भी
ब्याज की दरें, इन्फ्लेशन कम होगी, परंतु अभी भी रेसेशन के फियर गए नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन इस बार जो है अमेरिका, यूरोप वगैरह में, डेवलप कंट्रीज में है, उसका स्वभाव एक तरीका नहीं है कि भाई एक ऊपर आके वापस एकदम नीचे जाएगा। अभी भी आप देखिए जितने सेंट्रल बैंक है दुनिया में, उनके जब भी उनकी मीटिंग होती है, एक ही कहा जाता है कि अभी एक सर्टेनली नहीं कह सकते हैं कि भाई इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, अभी भी लेट अस कीप आवर फिंगर क्रॉस जो कहते हैं, हर एक यही कहता है कि चलो देखेंगे, अभी देख रहे हैं आगे जाके क्या होगा। हिंदुस्तान में भी हमारे गवर्नर साहब हमेशा बात बहुत अच्छी करते हैं, पर साथ साथ में ये भी सलाह देते हैं, देखो भाई मैं कह नहीं सकता कि पक्का क्या होगा। तो ये सब संभावनाएं, वॉर जो है, अभी पहले रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसकी एक रिस्क अभी खत्म नहीं हुई, उसके बाद इसराइल हमास हो गया, वो भी रिस्क खत्म नहीं हुई। अब ये किस करवट बैठेंगे, ये किसी के लिए फोरकास्ट करना संभव नहीं होता है, परंतु मेरा मानना है कि इंडियन कंपनीज बाय एंड लार्ज प्रोग्रेस करेगी और 2024 वर्ष भी अच्छा रहना चाहिए। कितना अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहता है। मेरा मानना है कि 2023 में जिस तरह की गति, जिस गति से तेजी आई है, हो सकता है उस गति से नहीं आए। मेरा मानना है कि रुझान जो है वो प्रगति की तरफ, बढ़ने की तरफ रहेगा। कितना बढ़ेगा ये कई इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इसलिए मेरा मानना भाई अगर 3-5 साल के लिए आओगे ना, तब मैं आपको कह सकता हूँ कि 12-15% रिटर्न आपको मिल जाएगा, परंतु 6-12 महीने में अगले साल में क्या होगा। पॉजिटिव थिंकिंग है मेरी कि मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव रहेंगे ये डिपेंड करता है कई सिचुएशन में, इंडिया और ग्लोबल। राठी साहब, हमने तो देखा है कि आप बाजार को लेकर सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले लोगों में से हैं, हमेशा भारत की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं और हमेशा कहते हैं कि बाजार में तेजी ही देखने को मिलेगी, आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। तो इस साल सर हमने एक ट्रेंड देखा खासतौर पर कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक बड़ी रैली देखने को मिली, मतलब कहा जा रहा है कि कई दशकों बाद इस तरह की रैली देखने को मिली, जब हमने देखा कि मिड कैप इंडेक्स में करीब 44% रिटर्न देखने को मिला, स्मॉल कैप इंडेक्स देखे वहाँ करीब 52% का रिटर्न देखने को मिला, हेवी वेट के मुकाबले ज़्यादा बेहतर उन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप ने किया। ये ट्रेंड क्या संकेत दे रहा था और क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने की संभावना है इसकी? देखिए जब पैंडेमिक आया तो उस समय छोटे बिजनेसेस को काफी इफेक्ट हुआ, और इसलिए आपने देखा होगा उस समय मार्केट में स्मॉल मिड कैप दब गए थे। तो इस बार जो तेजी आई है वो एक तरह से मेकअप है जो पुराने दबे हुए थे। क्या होता है मार्केट में कई बार अनयूजुअली नीचे चले जाते हैं और कई बार अनयूजुअली हाई, कई बार एक्जुबरेंस रहती है, कई बार अनलिमिटेड फियर रहते हैं। तो उनका स्वभाव मैंने जैसे कहा शॉर्ट टर्म में इन चीजों का फियर का बड़ा असर होता है, और कोई बहुत बड़ी चीजें होती है तो उसका भी असर होता है, बड़ी इवेंट आती तो असर होता है। अभी इलेक्शन में मान लो अच्छी आ गई, बीजेपी आ गई, तो देखने मिलता है। तो ये बात तो पक्की है कि ये इस साल जो ग्रोथ आई है ये आप मान के नहीं चलना चाहिए कि अगले साल भी जो है आपके मिड कैप स्मॉल कैप में ऐसी तेजी आएगी, परंतु जनरली अगर आप कोई 10 साल का पीरियड लेंगे, मेरा मानना है मिड कैप स्मॉल कैप हमेशा बेटर करेंगे। उसका देखिए रीजन सिंपल है कि जो छोटा है वो हायर ग्रोथ कर सकता है, और जो बड़ा ऑलरेडी हो गया है उसके लिए 20% ग्रोथ भी बड़ी होती है, छोटे के लिए 40% ग्रोथ संभव है, 50% ग्रोथ संभव है। तो इसलिए और जिसकी जितनी ग्रोथ होती है उसका आपने देखा मार्केट में वो वैल्यूएशन पी मल्टीपल बढ़ जाता है। एक समय इंफोसिस का पी मल्टीपल 100 के ऊपर था, क्या कारण था? क्योंकि ग्रोथ थी आगे। तो जो भी छोटे ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप हैं जिनमें अच्छी ग्रोथ की संभावना है वो जरूर आगे बढ़ेंगे, परंतु तो जिस तरह की तेजी 2023 में आई है ये भी मान के चलना चाहिए कि ये तेजी हमेशा के लिए बरकरार नहीं रह सकती, हमेशा आप इस तरह की उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते। मेरा अगला सवाल है सर, मैं यही समझना चाह रहा था, चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी तेजी देखने को मिली, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इस समय
एक कह सकते हैं पोर्टफोलियो चर्निंग करने का समय है, और चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप में एक बड़ी रैली देखने को मिली है, तो क्या ये मौका है कि क्या आप मिड कैप स्मॉल कैप से अपने पोर्टफोलियो में से जहां आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है कुछ हिस्सा निकाल लें और खुद को लार्ज कैप में वापस से इन्वेस्ट करें, क्या ऐसा कुछ करना चाहिए क्या? क्योंकि देखिए सर, आनंद राठी सर आपको लाखों लोग सुनते हैं और आपकी बात पे वो रिएक्ट करते हैं, उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को चर्निंग करते हैं, तो वो निश्चित रूप से उनको बताइए कि क्या करना चाहिए इस लेवल पे। आप देखिए, आपने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक बात की है कि पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करें और उसकी एक अप्रोच होनी चाहिए। मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो में अप्रोच का मतलब यह है कि आप सुटेबली अपने पैसे को एलोकेट करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। ओके, और होता है कि जब संभावना आती है कि भाई मिड कैप लार्ज कैप अच्छा करेंगे, जैसे हमने किया पिछले डेढ़ साल पहले, हमने मिड कैप स्मॉल कैप का वेटेज बढ़ा दिया। ओके, कि भाई आप पर निकलना नहीं चाहिए किसी चीज से, हो सकता है कि अगर आपका 40% वेटेज आप 50 कर लो, 50 से 60 कर लो, 20 से 30 कर लो, और आगे जाने वाले समय में अगले कुछ सालों के लिए मतलब नॉर्मली कुछ वेटेज तो हमेशा रखना ही चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप के लिए। परंतु अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में आगे संभावना रहेगी कि उनकी ग्रोथ लार्ज कैप से ज्यादा रहने की संभावना मुझे लगती है, इसलिए एलोकेशन बना रखना चाहिए। अगर देखिए टैक्टिकल जो कहते हैं चेंज, कि 10% आप कम करके 10% लार्ज कैप में भली आ जाए, वो एक अलग बात है, और परंतु बहुत ज्यादा बदलाव मैं नहीं समझता हूं कि इस समय पोर्टफोलियो के एलोकेशन में आदमी को ज्यादा करना चाहिए। सर, एक चीज हमने देखा है कि अगले साल एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, और आप सीधे तौर पर आप कह भी रहे कि अब आने वाले दिनों में कुछ इवेंट्स होंगे उसका असर देखने को मिलेगा। 5 साल में एक इवेंट होता है लोकसभा चुनाव। हमने देखा कि खासतौर पे 2014 के बाद कह सकते हैं अब तक बाजार में एक ड्रीम रैली देखने को मिली है मोदी युग में। 2024 के चुनाव को के हिसाब से बाजार की दिशा और दशा कैसे आपको लगती है? बाजार जो चाह रहा है अगर उसके विपरीत आता है, सरकार बदलती है या कुछ चेंज होता है, तो बाजार इसको क्या, इसका असर बाजार पे कितना ज्यादा होगा, और इस पूरे इलेक्शन फैक्टर को खासतौर पर 2024 के लिए आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण, आपने जैसे कहा इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का मार्केट के ऊपर बड़ा असर होता है, और ये असर भी मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताऊंगा कि असर जो है वो इमीडिएट असर ज्यादा होता है इलेक्शन रिजल्ट्स का। जब जब भी इलेक्शन रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध में आए तो मार्केट घटे, अगर उसी हिसाब से आए तो मार्केट ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट हो गए थे। 2003-04 में जो हुआ उस समय तो मार्केट घटे, लोगों को उम्मीद थी कि भाई बीजेपी आ जाएगी, आई नहीं, कांग्रेस आ गई तो गड़ गए। परंतु आप अगर देखें पिछले 5-7 इलेक्शन का, मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन के 12 महीने बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट 10% ऊपर नहीं हुआ, 10% या उससे ज्यादा ऊपर हुआ है। तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये शॉर्ट टर्म इवेंट्स के शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहते हैं। अल्टीमेटली देखिए मार्केट चलेगा जीडीपी ग्रोथ में, देश की जीडीपी ग्रोथ कैसी है, मार्केट चलेगा कॉर्पोरेट ग्रोथ पे, क्या परफॉर्मेंस उस कंपनी की कैसी है। तो और उस मामले में देखिए, अभी मानना मेरा कि इंडिया की पोजीशन अभी अपने समझते हैं वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और बढ़ने की भी उम्मीद है। अब ये फोरकास्ट ये है कि आगे आने वाले कई सालों में भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ेगी। तो इसलिए एक तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं फ्यूचर के लिए, मार्केट के लिए। इलेक्शन का भी जो है देखिए, अभी तक तो उम्मीद, अब तो लोगों का कहना भी कि अभी जो 3 रिजल्ट 5 रिजल्ट आए हैं उससे लोगों का मानने लगा है भाई कि वापस सरकार यही बने रहने की उम्मीद है, तो वो हुआ तो मार्केट नेचुरली उसी गति से चलेगा। कोई अगर डिफरेंस आता है तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। मेरा एक ही सलाह सबको है, इन्वेस्टर्स को मेरा कहना है, जब भी कोई ऐसी इवेंट हो, ये इवेंट शॉर्ट टर्म में है, उससे आप घबराइए मत, डरिए मत, बने रहिए। आप अपने एलोकेशन जो आपने इक्विटी मार्केट में लगा रखा है उसको ज्यादा ऊपर नीचे करना नहीं चाहिए, और इसलिए मेरी उम्मीद है कि भाई इलेक्शन का बहुत कोई मतलब जो भी रिजल्ट आए
पहली बात तो मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जैसे सारे आप ही आप लोग ज्यादा जानते हैं हमारे से मीडिया वाले कि क्या एक्सपेक्टेशन है, और जो हम सुनते ही कहते हैं भाई कि ये संभव है कि शायद ज्यादा चांसेस यही है कि यही सरकार वापस आए, तो पॉजिटिव थिंकिंग है, देश की प्रगति अच्छी है, तो इसलिए इलेक्शन के कारण आदमी को अपना एसेट एलोकेशन में, कई आदमी सोचते हैं कि इलेक्शन के पहले कम कर लें फिर बढ़ा देंगे, मेरी सलाह हमेशा रहती है कि इस तरह के डिसीजन आप जितने कम करेंगे उतने अच्छा रहेगा, अदरवाइज कई बार है यू मिस ए बिग अपॉर्चुनिटी। मैं आपको एग्जाम्पल लिए बताता हूँ, 6 महीने पहले जो 19,000 के आसपास सोचा गया उस समय निकल जाते हैं, नीचे आएगा मार्केट फिर ले लेंगे, अब देखिए वो मार्केट जितनी तेजी से पिछले 1-1.5 महीने में बढ़ा है, किसको उम्मीद थी कि मार्केट 21,000 को क्रॉस कर जाएगा, कोई ऐसी फोरकास्ट 1 महीने की नहीं कर सकता। तो इसलिए इन्वेस्टर्स जो है जिनको अच्छा पैसा कमाना है बने रहे हैं, स्टे इन्वेस्टेड है, जाते रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में आप बने रहेंगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा, और यही आनंद राठी साहब का गुरु मंत्र है, और ये बाजार का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि बाजार में रहना सबसे जरूरी है, बाजार से बाहर रहना ये सबसे बड़ा रिस्क है, बाजार में रहना जो है ना सबसे कम रिस्क है, आपको अगर अच्छे शेयर में है तो आपको एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप अच्छे शेयर से कुछ अच्छे सेक्टर्स की बात करते हैं, और इस मुद्दे पर बात हो तो आनंद राठी सबसे बेहतर कोई शख्स नहीं है जो बता सकता है हमें। सर आपने आईटी सेक्टर की बात की, इस साल हमने देखा कुछ नए सेक्टर्स निकल के आए, बहुत बड़ी रैली देखने को मिली, खासतौर पर पीएसयू स्टॉक्स में देखिए काफ़ी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, डिफेंस ऐसा सेक्टर था जिसमें हमने देखा कि बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। ये जो सेक्टर चर्निंग हो रहा है, अब नए नए सेक्टर्स निकल के आ रहे हैं जो कभी चलते ही नहीं थे, पावर शेयरों में आप देखिए कई सारे स्टॉक्स हैं जो कभी चले ही नहीं, बड़ी रैली देखने को मिल रही है, सरकारी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त रैली, ये क्या संकेत दे रहा है, और क्या अब आप हमारे दर्शकों की थोड़ी मुश्किल को कम कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जहां उनको अब आगे फोकस करना चाहिए? देखिए इसके पहले मैं सेक्टर्स की आपसे बात करूं, ये जानना फिर वो जो मैंने पहले बात कही कि अगर देश की अर्थव्यवस्था तेजी से चलेगी जो चल रही है, अभी रिजर्व बैंक ने अपना टारगेट भी 6.5 से 7% कर दिया जीडीपी ग्रोथ का, जो मैं समझता हूँ काफी काफी बड़ा चेंज उन्होंने दर्शाया है, तो जब देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी तो सब सेक्टर्स को फायदा होगा, ये मानना ये समझिए कि आप इसलिए, परंतु फिर भी एक जैसे बताया ना एक फ्लेवर ऑफ द डे होता है कि आज का फ्लेवर क्या है, तो वैसे फ्लेवर हमेशा चलते हैं, आज जो पिछले 1 साल में जो सेक्टर्स अच्छे किए हैं हो सकता है वो अगले साल में उतने अच्छे नहीं करें, नए सेक्टर्स ऊपर के आते हैं, और परंतु एक इम्पॉर्टेंट चीज अगेन ये कहना जरूरी है कि आदमी को अगर इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक स्पेसिफिक को ज्यादा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर में वो जो है वो परफॉर्मर्स भी होते हैं लगाड़ भी होते हैं, तो अगर आप स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्टर तो देखिए, पर सेक्टर के बाद इंपॉर्टेंट है स्टॉक देखिए, सेक्टर अच्छे जैसे पीएसयू क्यों दबे हुए थे, इतना अच्छा किया, मेरा मानना है अभी जैसे फार्मा अभी भी पूरा निकला नहीं, बहुत कम निकला है, वो अच्छा करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है परंतु तो उसके जो बेसिक सेक्टर सीमेंट है स्टील है वो इतने तेजी से नहीं बढ़े हैं, तो वो सेक्टर अच्छे रहने चाहिए, एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज और ये जो सेक्टर है बैंकिंग, वो देखिए बैंकों की बैलेंस शीट जो अभी मजबूती है वो मैं नहीं समझता हूँ कि पिछले 50 साल में भी इतनी मजबूती बैंकिंग, इवन पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा करेगा, ऑटोमोबाइल्स बहुत अच्छा कर रहा है परंतु ऑटोमोबाइल्स में भी जो टू व्हीलर है, जैसे जैसे देखिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस गांव में हो रही है हर एक आदमी के लिए कन्वीनियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो टू व्हीलर्स में मुझे लगता है अगले साल आके अच्छा रहेगा, आईटी सर्विसेज अगेन यू नो लगता है कि भाई पेंडेमिक आ गया रिसेशन आ गया उधर से हो जाता है, परंतु जिस तरह का टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है अगेन एवरग्रीन सेक्टर है मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर, वो अच्छा करेगा, तो ये कुछ सेक्टर के बारे में जैसे बताया, पर मेरा सुझाव यह है कि जो भी सेक्टर हैं उन सेक्टर में हर सेक्टर में जो सेक्टर कम परफॉर्मिंग है उसमें भी बड़ी अच्छी कंपनी होती है, तो आप जरूर ध्यान दीजिए स्पेसिफिक इन सेक्टर्स जो मैंने बताए, उसके अलावा अच्छी कंपनियां किसी सेक्टर में हो
उन पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। मैं आप दो सेक्टर्स के बारे में खासतौर पर जानना चाहता हूँ। लगातार आपने मेड इन इंडिया की बात की है। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसकी हमेशा से चर्चा होती थी कि सरकार को इसमें खर्च बढ़ानी चाहिए, और हमने देखा है कि पीएलआई स्कीम हो और अलग अलग तरीके से सरकार इस सेक्टर में जो है ना खर्च बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं मेन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। और एक दूसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी सरकार लगातार खर्च कर रही है। इसका असर और इस सेक्टर्स में क्या निवेश के मौके आपको दिख रहे हैं बड़े? बिल्कुल लग रहे हैं, क्योंकि देखिए आगे आने वाले वर्षों में एक बड़ा चैलेंज भारतवर्ष के लिए है कि इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेजी से बढ़ाएं ताकि अपना एक्सपोर्ट जो है वो बेस बढ़ना चाहिए। वो एक एरिया जिसमें अभी भी अपने जो है बहुत तेजी से बढ़ नहीं पा रहे हैं, पर सरकार पूरी कोशिश लगी है, पीएलआई स्कीम सक्सेसफुल रही है, सरकार जो है सभी देशों से ट्रेड एग्रीमेंट्स की बातें चल रही हैं ताकि अपना एक्सपोर्ट बढ़े। तो उसमें ब्याज की दरें भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एनर्जी की रेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट प्ले करती है। तो एक चीज जो अपने बातों में जो नहीं आई है कि देश में जिस तरह अपने सोलर पावर और यू नो उसका एनर्जी का कोटा अपने प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें अपनी एनर्जी कॉस्ट भी कम रहने की संभावना है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्टर जो है, इसलिए सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टील सीमेंट मैंने बोला ही है, अच्छा केमिकल्स वगैरह करेंगे। अब कॉमोडिटीज जो होती हैं उनका देखिए इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और अपनी एक इकोनॉमी तेल की प्राइसेस से बहुत अफेक्ट होती है, तो और उसमें उतार चढ़ाव अपने बहुत देखने को मिल रहा है। तो उसका कॉमोडिटीज का तो देखिए फ्लक्चुएशन रहता है, परंतु बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग है जिसको मतलब सीमेंट को मैं वो कॉमोडिटी में नहीं कहूंगा, स्टील को, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आने वाला। और एक चीज मैं आपको आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस देश में जब हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ तभी आई है जब उनका हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। ये स्टोरी चाहे अमेरिका की देख लें, जापान की देख लें, चाइना की देख लें, और किसी देश का देख लें। और मेरा ये मानना कि ये अगले दस वर्ष भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत ही तेजी से आने वाला है, ऑलरेडी नजर आ रहा है ना। आज आप चाहे रेलवे में देख लें, सड़क पे देख लें, पोर्ट्स में देख लें, जिस तरह का एक ग्रोथ आ रही है वो और तेजी से आएगी, और उसके आने से एक बेसिक इकोनॉमिक्स में फर्क पड़ता है। आप समझिए अपने यहाँ छोटी छोटी चीजें क्या फास्ट टैग चालू किया गडकरी जी ने, उससे अंदाज लगा सकते हैं कितना फायदा होगा। उस फास्ट टैग से देश में कम जो वेटिंग टाइम लगता था 40-50 हजार करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। तो देखिए चीजें जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है और बढ़ेगा आगे जाके, तो ये सेक्टर के कारण दूसरे सेक्टर्स को भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है बड़ा ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। सर मेरा आखिरी सवाल है, और सवाल को पूछने से पहले मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं, आनंद राठी सर 1999 में बीएससी के प्रेसिडेंट बने थे। ईटन और स्वदेश जो है सर एक थीम लेकर चल रहा है कि 1 लाख सेंसेक्स कब होगा, आप 1 लाख सेंसेक्स कब देख रहे हैं सर, कितने साल, 4 साल 5 साल? कभी मैं पूछता हूं कि आप कब चाहते हैं वो बताओ। हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द सर हो जाए, लेकिन बाजार के भी अपनी एक दिशा और दशा, और आपसे बेहतर कोई इंसान हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने कुछ सालों पहले जब कहा 50,000 होगा तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, अब तो ये लोग मानते हैं 1 लाख होगा। ओके, कब होगा ये सवाल है, मान के चलना चाहिए देखिए अगले 4 से 6 साल में, अगर डिपेंड करता है, पर 4-5 साल में बिल्कुल उम्मीद है मुझे कि 4 साल में जाके ये 1 लाख का सेंसेक्स का आंकड़ा पार कर सकता। आनंद राठी सर ने माना कि हाँ 4 से 5 साल में जो है सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंचेगा, और मुझे याद है कि आनंद राठी सर ने बहुत पहले लगातार ये कहा था कि देखिएगा सेंसेक्स 50,000 तक जाएगा, और वो हुआ भी नहीं, अब तो 50,000 से बहुत ऊपर आ चुका है। शुक्रिया आनंद राठी। एक बात बताऊं आपको, 1999-2000 में जब 5,000 का सेंसेक्स हुआ था, बड़ा सबको लोग मानते थे, हमने 5,000 गुब्बारे बीएससी से छोड़े थे, बिल्कुल 6,000 हुआ, तो ये तो आंकड़ा बढ़ेगा साहब। देखिए मान के मेरा ये मानना है कि आदमी को 12-14% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मार्केट से, बिल्कुल ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस।
आ रहा है तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और रिटर्न तो हमने देखा भी एक लंबी अवधि में एक बड़ा रिटर्न देखने को मिला। आनंद राठी सर शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया इतनी शानदार चर्चा के लिए, और आपने जो है जिस तरीके की बातें बताई और जिस तरीके से ये हौसला बढ़ाया कि बाजार में तो बड़ी तेजी बाकी है, अभी ये तेजी 2024 में भी देखने को मिलेगी। और आनंद राठी सर ने कई सारे सेक्टर्स पर चर्चा की। इटना स्वदेश की ये खास पेशकश थी। दिग्गजों का मंत्र, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।